hello students hopefully you are doing well on your preparations so here i am going to influence you to crack a job within a very limited period of time and are you in the same track to crack it or you are lagging behind okay so first of all i want to tell you something which will make you happen to build your career then you will say, sir, we are also building our career. We have completed our graduation. We have our max seats. We have our percentage. We have our grade up. Then we are building our career. But the career is not that you are going to and appear in the, your plus three exams or engineering's or MBA or MCA. You have to qualify into a job that after some days you have some respect. There is some designation before your name. You built your family. ड एंड यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ ऑन द टोटल वर्ल्ड और टू द नेशन यू हिंदी लैंग्वेज दट ऑल गेट नो हाउ टू डू एंड इज देर एनी फॉल्ट विथ यू इफ एनी फॉल्ट विथ यू देन यू शुड मैनिपुलेट दोज एंड गेट ग्रिटेड क्रैक एट लीस्ट इन योर कैरियर लाइफ तो हम ये चीज में बात करेंगे कि हम यहाँ पर पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई ठीक से करें या फिर नहीं तो पहली चीज पढ़ते तो सब है जो भी कॉम्पिटेटिव के प्रिपेयर करने आते हैं वो क्लासेस ज्वाइन करते हैं वहां पर टीचर्स होते हैं एक एक क्लास में कहीं पे 20 बच्चे हैं कहीं पे 200 बच्चे हैं कहीं पे 400 सौ बच्चे हैं सबको टीचर लोग तो सेम टू सेम पढ़ाते हैं लेकिन आप कितने पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पढ़ना कोई चीज नहीं है पढ़ते शब्द लेते हैं लेकिन आप उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि अगर मैं आपको दस क्वेश्चन करवा लिए और वही दस क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे उस दस क्वेश्चन से अगर आप हंड्रेड क्वेश्चन करते हो तभी जाके आपके एग्जाम क्वालिफाई होगा तब ये बोलेंगे कि सर ये तो हमें पता है हमें सब बताते हैं हर क्लास में कि आप पढ़ते रहो प्रैक्टिस करते रहो तो आप जाके कोई अचीवमेंट कर सकते हो तो मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं पढ़ना एक कला है लेकिन पढ़ा कैसे जाता है वो आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता आपको इस तरह की समझ होता है कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप अगर दस मिनट में कोई चीज को पकड़ लेते हैं कोई कोई होते हैं वही चीज को पकड़ने के लिए आधा घंटा लेते हैं कोई कोई होते हैं एक दिन भी लगता है वो मैटर नहीं है लेकिन इस चीज पे आप फोकस करो अगर मुझे एक दिन लगता है कोई भी चीज को ग्रैप करने के लिए मैं एक दिन दूंगा उसके बाद से तीन दिन तक मैं उसी चीज को प्रैक्टिस करता रहूंगा क्योंकि मैं जो एक चीज आपको मैंने बिल्ड करने के लिए लगा हुआ है वो मेरा वेस्ट ना जाए ठीक है तो बहुत से मोटिवेशनल चीजें आते हैं कि इस तरह करना चाहिए वैसा करना चाहिए हमको ये ये बुक्स फॉलो करने चाहिए हमेशा एक चीज याद रखना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बुक तो सब फॉलो करते हैं पहले वो दिन था जब बुक्स अवेलेबल नहीं होते थे बच्चे किसी से लेंड करके लाते थे कभी लाइब्रेरी से लाते थे आज के दिन में तो वो ईजिली अवेलेबल हो गया है लेकिन आपको चाहिए क्या आपको चाहिए डिटर्मिनेशन कि मुझे करना क्या है आप कोशिश करो तब बच्चे बोलते हैं कि किस किस तरह के कोर्स करें बैंकिंग ज्वाइन करें या फिर एस एस ज्वाइन करें पहले ये चीज अपने दिमाग में डालिए बैंकिंग और एस कोई कोर्सेस या फिर सिलेबस नहीं होता वो होता है एक प्रोसीजर टू गेट इन टू ए जॉब आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो पहले अपने आप को ब्रश करना शुरू करो कि मैं कहाँ पर स्ट्रॉन्ग हूं बहुत से बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि सर हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं हम साइंस के चीज कैसे डालेंगे हम अगर एसएससी में जाए तो एसएससी में तो जनरल नॉलेज के हिसाब से साइंस आता है फिजिक्स आता है केमिस्ट्री आता है बायोलॉजी आता है तो हम कैसे करें साइंस के स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहाँ पर तो बैंकिंग में जाओ तो वहां पर तो उनका बैंकिंग अवेयरनेस आता है करेंट अफेयर आता है हम ये तो चीज कभी भी नहीं पढ़े हम कैसे डालेंगे

नहीं ना जो चीज बनाया गया है आप उसको पढ़ के ही एग्जाम देके आए हो ना तो आपके स्टैंडर्ड भी साइंस के तरफ से है लेकिन आप पढ़ के रहे हो पढ़ तो हिस्ट्री ही रहे हो यह चीज पहले दिमाग से निकालो कि हम तो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हम तो साइंस के स्टूडेंट है नहीं गलत है पहले ये चीज अपने आप के अंदर डालो कि जो भी चीज आएगा जो भी सेफ कम चांसेस आएगा मुझे आगे बढ़ना है मुझे क्लियर करना है ठीक है अब सब बच्चे बोलते हैं कि मेरा तो पहला जो कैरियर है वो कैरियर अच्छा है मेरा फर्स्ट क्लास कैरियर जस्ट फर्स्ट क्लास है कि तस, क्लास में मैंने कोई 75 रखा था प्लस में 65 लाया और प्लस में मैंने कुछ सेवेंटी के अंदर कोई बीटेक करता है तो बोलता है मेरा सीजीपी सेवन पॉइंट फाइव है कोई एमबीएम वाले आते हैं ये सब पुराने चीज है आज के दिन में जो है बस उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो क्योंकि अभी मैं बताता हूं आप अगर देखो देखना चाहोगे किसको को, को ठीक है? वो ने इलेक्ट्रिक बल्ब निकाले कब निकाले अपना सौवा टाइप में वो जो बनाने जा रहे थे तब जाके वो निकाले इलेक्ट्रिक बल्ब क्योंकि तो फेल हुए था ना वो 99 टाइम्स फेल हुए थे लेकिन अगर आप उनके ऑटोबायोग्राफी देखने जाओ उनका मोटिवेशन समझो

कभी ये चीज समझ के पीछे मत हट जाना कि ये तो बहुत ही टफ है मैं कैसे करूंगा मेरे तो आ नहीं रहे कोई पहला एग्जाम दे दिया एस बी का तो सोचने लगा यार यार तो जा रहा है साठ सत्तर मैं तो अटेंड ही कर पाया चालीस यहां पर गलती एसबीआई पीओ का नहीं था आपका माइंड का था मत जाओ ये सोच के कि मुझे अस्सी करना है बस ये जाओ सोच के मुझे करना है टाइम को इमीडिएटली यूज करना है हर एक वक्त का प्रोफिशियंट करना है और मुझे फाइनली करना है द द द डेस्टिनेशन दैट वाई डिजायर नॉट ऑन नाइट मॉर्निंग वेन माई आईज आर ओपन आपको अगर अब्दुल कलाम का एक बात आया तो वो ये बात बोलते थे कि कभी भी रात में जो देखी हुई सपना सपना नहीं होता सपना तो वही होता है तो दिन में खुले आंख से देखा जाए क्योंकि रात का वो सपना जो कि बंद आंख में होता है वो तो सुबह होते ही निकल जाता है लेकिन सुबह का वो जो सपना जो सपना खुले आंख में दिखा जाता है वो जिंदगी का कोई मोटिव पॉइंट होता है है लाइफ में आपको ज्यादा लेकिन आप अगर एग्जाम्पल को फॉलो करने लगोगे तो आप भी एग्जाम्पल बनने के लिए कोशिश करोगे और यही चाहिए आपको मोटिवेशन कि अगर आज कोई मेरा नाम जान नहीं जाता कोई बात नहीं लेकिन कल मेरे नाम सब रिस्पेक्ट के साथ लेंगे मुझे मेरी जो हार्ड वर्क है जो तो मेरी वर्कआउट है दूसरे बच्चों को बताएंगे कि देखिए कि ये सर थे हमारे जो कि यहां पर भी एक साल लगा दो साल लगा तीन साल लगा लेकिन उसने ये जॉब करके दिखाए जॉब करके आप अपने फैमिली को सो बना सकते हो ये इसमें कोई गलती नहीं लेकिन एक बात याद रखना अगर आप ट्राई करके जॉब हथवा लेते हो तो आप बहुत से बच्चों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हो बच्चे मोटिवेट इसलिए नहीं होते कि हमारे सर अच्छे पढ़ाते हैं बस इससे मोटिवेट होते हैं कि हमारे जो सर जिनको पढ़ाते हैं उनमें से बच्चों का जॉब निकलता है पढ़ाया तो सबको सेम ही सेम जाता है लेकिन जॉब किन लोगों का निकलता है जो अपने हिसाब से वहां पर अपने हंड्रेड परसेंट या टू हंड्रेड परसेंट जितना भी वक्त हो उतना देते हैं तो सबको एक ही रिक्वेस्ट है जब प्रिपेरेशन के लिए आ रहे हो कौन से तरह का भी प्रिपेरेशन हो अपना एक गोल सेट करो कौन सा गोल नहीं मुझे क्या चाहिए आई नीड ए जॉब मैंने बहुत से बच्चों के साथ बातचीत की तो मैंने पूछा हाउ मेनी वॉन्ट टू बी सेटल इन ए जॉब सब बोलते हैं हाँ कितने लोगों को गवर्नमेंट का जॉब चाहिए तो सब हाँ गवर्नमेंट का जॉब चाहिए कितने तो हम प्राइवेट का जॉब चाहिए तो कितने भी हाथ लिख हमें प्राइवेट का जॉब चाहिए ये उनका डिटरमिनेशन है अभी ये बात बोलता हूं गवर्नमेंट के लिए आप लग जाओ क्योंकि आज के डेट में जो कोरोना के बाद हम जो चीज हमारे सामने आई तो आप भी उससे वाकिफ हो कि गवर्नमेंट के अगर आपके पास जॉब हो तो आपको बेनिफिट्स कितने आते हैं तो मैं तो ये आपको प्रेस्क्राइब करूंगा कि आप गवर्नमेंट के जॉब के लिए लग जाओ इसके लिए तो गवर्नमेंट का जॉब ऐसे नहीं है आपने फॉर्म डाले और आपका जॉब हो गया आपको एग्जाम्स देने होंगे तो ये तो हमारा सिलेबस का टाइप होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बस मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं पढ़ना कैसे है कभी भी यह मत सोचना कि मेरे घर में जो मेरे यहाँ पर हॉस्टल पे जो मेरे जो दोस्त लोग रहते हैं वो तो दिन को आठ आठ घंटे पढ़ते हैं मैं तो बस छह घंटा ही पढ़ पाता हूँ ठीक है ना छह घंटा का कोई दुगल नहीं बट छे घंटे इस तरह पढ़ो कि सामने वाला का बारह घंटा भी आपके यहाँ घर फीके पड़ जाए प्रैक्टिस करते रहना हमेशा याद रखना प्रैक्टिस करते रहना आप तो जॉन लोजी बेड को जानते हो गये? जो हमारे टीवी निकाले थे पता होगा जॉन लोजी बेड ने टीवी निकालने के चक्कर में पहले वो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे जहां पर न्यूज़पेपर पेपर छपाया जाता था वो प्रिंटिंग प्रेस ही जला डाले दूसरा एक घर में भाड़े पे रहते थे उस घर को भी जला डाले घर से निकाले गए भाड़े से निकाले गए जॉब से निकाले गए लेकिन वो ना कभी अपना टेलीविजन बनाने का सपना को सपने से खुद को नहीं निकाला वो बस देखते रहे कि नहीं मुझे टेलीविजन बनाना है बनाना है बनाना है और आज के दिन में वो बना लिए और उनका ये जो किस्मत और ये जो और यहाँ पर उन्होंने जो अपना वो दर्जा लाया आज का उनका नाम आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आता है कि हु इज द इन्वेंटर और हु हु और इन्वेंटेड आवर टेलीविजन तो आप तो जॉन लजीबेड लिखते हो ना अब ये सोचो जब उनको प्रेस से निकाला गया तब वो सोचे

जो आपके बिगेस्ट इंटरटेनमेंट ऑफ द एंटरटेनमेंट तो कभी यह मत सोचना कि व्हाट वॉज माई कैरियर एवरी टाइम लुक एंड डू व्हाट इज गोइंग टू बी योर कैरियर एंड हाउ सुड यू बिल्ड ऑफ़ कभी भी ये मत सोचना कि मेरे घर में तो ये चीज कोई भी नहीं कर पाया याद रखना आपके घर में आज तो कोई नहीं किया है लेकिन आप कर सकते हो बच्चे आते हैं पूछते हैं सर हमारा एक मिडिल क्लास फैमिली है हमारे घर में आज तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाया वो तो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमारे घर में कोई नहीं हो, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा क्यों तुम्हारा तुम्हारा घर तुमसे भी शुरू बेटा। तुमसे भी शुरू भी भी शुरू शुरू होगा होगा बेटा कल बच्चे बोलेंगे कि माई फादर वॉज एन दिस ऑफिसर आई एम फीलिंग प्राउड देन आपके बच्चे को भी मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे बाप ने ये चीज कर लिया तो आज तो मेरे पास सारे के सारे ऑपरचुनिटी है अगर ये चीज देख के चलो तो आपकी फैमिली के आपके पापा और मम्मा जो भी है जो उस समय में उनके पक्ष में पढ़ाई करते थे तब सोच रहे उनको फैसिलिटी कितने मिलता था वो बहुत तकलीफ से पढ़े होंगे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास नाम वो सारे तकलीफ को नहीं देखे लेकिन बहुत से बच्चों के मां बाप होते हैं जो की बहुत ही तकलीफ से पढ़ाई की होती है आज आप सोचिए आपके पास सारे के सारे फैसिलिटी है दो फैसिलिटीज ये ये नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप कभी भी एंजॉय मत कीजिए नहीं एंजॉय कीजिए लेकिन बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नीडेड टू रिफ्रेश योर ब्रेन बिकॉज इफ योर ब्रेन इज गॉड स्टॉक्ट देन यू कैन नॉट गेट एनीथिंग जरूरी है लेकिन हमेशा याद करते रहना अपने परिवार लोगों को जो जो गलतियां आपके ऊपर डिपेंड करता है जॉब नौकरी सब करते हैं ए से लेके बी तक सब जॉब करते हैं किसका मासिक का तनखा चार हजार है किसका आठ हजार किसका बारह हजार तो किसका बारह लाख आपको चूज करना है आप बारह लाख चाहते हो या फिर चार हजार चाहते हो कभी भी हार्ड वर्क करने के लिए खिच खिचाना नहीं नहीं मैं ये चीज नहीं कर सकता ये मेरे से नहीं होगा मैं तीन बार ट्राई किया मेरा नहीं हुआ चौथा बार कौन देखा है चौथा बार कोई देखा है क्या रामचंद्र जैसे लोग वो भी बनवास जाते हैं वहां से निकलते हैं तो उनका भी फैमिली प्रॉब्लम से जाता है तो वो अपनी बीबी को भी छोड़ आते हैं वो तो भगवान थे वो तो कितने जिस चीज से हैं आप तो नॉर्मल इंसान ही हो उस हिसाब से आपके पास तो बहुत कुछ है कभी इमेजिन करके देखो एक साल आप बंद में भटकते रह सकते हो वो चौदह साल रहे थे ठीक है कभी भी यह मत सोचना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है हर वक्त ए चीज सोचना मेरे साथ जितना भी हो रहा है ना दूसरों के साथ उससे ज्यादा भी होगा जो चीज मेरे साथ कम हो रहा है वही वक्त को मैं आगे लेके जाऊंगा क्योंकि कैरियर इज योर्स लाइफ इज योर्स डोंट स्पॉइल इट टाइम अप टू थर्टी टू और अपनी चाहो तो आपकी वो जो हट है उसको आप बंग्लो बना सकते हो और चाहो तो बंगलो को भी आप अपार्टमेंट बना सकते हो मनी इज नॉट द मैटर प्रेस्टीज इज द मैटर एंड प्रेस्टीज इज नॉट द मैटर ओनली ऑन यर्क प्लेस प्रेस्टीज इज एवरी टाइम मैटर इन अपू द लाइफ यू सस्टेन अप टू द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ ओके, okay? so, कभी भी ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता हर वक्त सोच के रहना कि मैं ही कर सकता हूं और मैं ही करूंगा करूंगा क्योंकि हर एक गलती से इंसान एक ही जानवर है जो कि सीखता है और कोई नहीं सीखते बस आपके लिए इतना ही कभी भी डिमोरलाइज मत हो जाइए कभी कोई रिजल्ट आता है तो यार मेरा ये नहीं हुआ मैं तो इतने घंटे परिश्रम सामने था इतने घंटे मैंने अपना सारा दिया था एफोर्ट दिया था मेरा नहीं हुआ बस इस चीज से आप बस दूर रहना बस इसी चीज से दूर रहना बस एक चीज करता रहना जब तक कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ ना लग जाए बस पढ़ाई छोड़ना मत वर्कआउट करते रहो ऐसा नहीं कि प्रिलिमिनरी खत्म हो गया चलो दो दिन छुट्टियां मार लेते हैं फिर मेन्स के लिए पढ़ाई करेंगे नहीं बहुत दो दिन में कोई आपसे आगे भी निकल जा सकता है नहीं जब तक मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर ना हो या फिर जब तक मैंने कोई ऑफिस में जाके मेरा पहला दिन काम नहीं किया तब तक हमेशा की तरह एग्जाम रिलेटेड पढ़ते ही रहना ठीक है बस इतना ही आप लोगों को बस मुझे पता है आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हो बहुत ही जल्दी आपका मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है भगवान भी आपके साथ है कभी भी डिमोरलाइज मत होना मां बाप का आशीर्वाद और जो जहां पर भी पेरेंट्स जितने भी लोग हैं आपका जो